हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 5 का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। फसलों के त्योहार, फसल आपको पता है, जो भी खेत में पैदा होता है जैसे गेहूं चावल, हम उसको फसल कहते हैं। और हमारे देश में फसलों से संबंधित कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। हर महीने, हर दूसरे महीने कोई न कोई त्योहार आ ही जाता है। लेकिन बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जो फसलों से जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे त्योहार फसलों से जुड़े नहीं भी होते हैं। अब दिवाली है, दशहरा है, ये त्योहार फसलों से जुड़े नहीं हैं, पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जो हमारे रामायण महाभारत आदि काल से चले आ रहे हैं। अब यहाँ इस पाठ में कुछ ऐसे त्योहारों की बात की गई है जो किसान अपने फसलों के तैयार होने के बाद मनाता है। वो हर राज्य में अलग-अलग होते हैं, या कई बार तो एक ही त्योहार हर राज्य में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संक्रांति, यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग राज्यों में किन किन नामों से और किस किस तरह से मनाया जाता है, इसका विवरण दिया गया है। सबसे पहले यहाँ भारत का मानचित्र दिया है और उसमें डार्क ग्रीन से दिखाया गया है कि ये बात बिहार की है। ये मैप में जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये बिहार है। बिहार में ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, ये बताया गया है। मैं पढ़ती हूँ और यदि न समझ में आए, मैं बीच बीच में समझाती रहूंगी। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सर्दी का दिन है, क्योंकि संक्रांति कब होती है, 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। और जनवरी में नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी होती है और इस समय कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता। लोग रजाई ओढ़कर गर्म हुए रहते हहैं या आग जलाकर सेकते हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सूरज नहीं निकला है। समय बहुत ज्यादा 8, 9, 10 बज गए, फिर भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण उन्हें समय का अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन घर में त्योहार है, सुबह सुबह सब लोग उठ गए हैं, इसलिए चहल पहल है। और घर का कोई सदस्य बच्चों को आवाज लगा रहा है कि जा दे भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। यह भोजपुरी वाक्य है जो बिहार में बोली जाती है, कि जाओ भाग के देखो केले का पत्ता आया कि नहीं। आज ये लोग के उठे कि नइखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। यह भी भोजपुरी में लिखा गया है। इसका मतलब है कि चलो जल्दी से उठ जाओ, आज तैयार नहीं होना है क्या, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड वाली धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। खिचड़ी के समय ऐसी ठंडी पहले कभी नहीं पड़ी, सारा देह सारा शरीर कांप जा रहा है,
ऐसा कहा पापा ने, क्योंकि आज उन्होंने धोती पहन रखी है। पूजा के दिन, किसी दिन घर में जब पूजा होती है तो बड़े लोग धोती पहनते हैं। वैसे ही उन्होंने धोती पहनी है और ठंडी है, बहुत ज्यादा है इसलिए उन्हें ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब ऐसा सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब बिहार में संक्रांति कैसे मनाते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया है कि घर के सभी सदस्य नहा धोकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। गुड़, चावल और तिल, इन चीजों को एक जगह जमा करके रख दिया जाता है और घर के सभी सदस्य बारी बारी से उसको छूते हैं, प्रणाम करते हैं और यही सारा सामान वह ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये त्योहार स्नान और दान के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस दिन गंगा में स्नान करना और अपने हाथों से दान देने का विशेष महत्व है। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। स्कूल में जो हम खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। उधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। खिचड़ी के दिन वहां स्पेशली लोग दही चूड़ा और खिचड़ी खाते हैं। और वो खिचड़ी, इस कहानी को कोई लड़की बता रही है ऐसा लगता है। वो अपने स्कूल में उसके कैसे खिचड़ी मनाई जाती थी कि उस दिन स्कूल के टीचर्स बच्चों को नदी के किनारे पतंग उड़ाने के लिए ले जाते थे और नदी के किनारे ही उनके लिए खिचड़ी भी बनाई जाती थी और सब मिलकर खाते थे। यानी त्योहार मनाने का एक अलग तरीका था उनके स्कूल में, वो उसे अब याद कर रही है। आगे है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। यानी सर्दी के दिनों में खेतों में पाला पड़ना, पाला मतलब जब बहुत दिनों तक सूरज नहीं निकलता और खेतों में ओस की वजह से फसल जो है वो सड़ने लगती है नीचे से, और फसलों में एक अलग बीमारी सी लग जाती है, उसको पाला कहते हैं। और जनवरी के में 15 जनवरी के बाद
संक्रांति के बाद ऐसा माना जाता है कि धूप तेज होने लगती है, कड़क धूप होने लगती है और इस तरह की बीमारियां जो फसलों में लग जाती हैं वो ठीक हो जाती हैं और सूरज की रोशनी मिलने से फसलें तेजी से बढ़ने लगती हैं। और ये भी एक कारण है खुशी मनाने का। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। अगला जो यहाँ राज्य दिखाया गया है वो है झारखंड। झारखंड में यही फसलों से जुड़ा त्योहार सरहुल के नाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में। जनजातियां यानी जो आदिवासी या जंगलों में रहने वाले लोग हैं उन्हें हम जनजातियां ऐसा कह सकते हैं। उनके अलग अलग नाम यहाँ दिए गए हैं, संथाल, ओराव। वो अलग अलग समय में इस तरह के त्योहार मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा करना मतलब सूरज, चांद, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि की भी वो पूजा करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। और उस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जंगली नृत्य करते हुए लोगों को कैसे एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नाचते हैं। उस तरह का वो लोग नाच करते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री किसको कहते हैं? खड़ी शक्कर को। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक पौधा होता है जिसकी छाल से रस्सी बनती है और उसमें फूल भी आते हैं। उसके फूलों को लोग अपने कान पर लगाते हैं। पूजा होती है, एक पूरे गांव से लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, नाचते गाते हैं। इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है इसलिए धान की पूजा होती है और वही धान अगली साल खेत में बोने के लिए रख दिया जाता है। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा यह जो त्योहार है मकर संक्रांति, यह कैसे और किस नाम से मनाया जाता है वो यहाँ दिया गया है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है।
इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। इस त्योहार में ऐसा माना जाता है कि खेत में जो नई फसल, धान की नई फसल हुई है, नया चावल हुआ है और गुड़, गन्ने का रस और चावल नीचे अग्नि बनाकर आग आग के ऊपर धूप में खुले आंगन में रखा जाता है, और वो पकने के बाद जब उसमें उबाल आ जाता है और वही खीर, उबलता हुआ खीर जब गिरता है अग्नि में, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता, अग्नि देवता आदि सभी को इस नए अनाज का नैवेद्य चढ़ गया, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और इसको जो खीर बनती है उसी को पोंगल कहते हैं, और उसी के नाम पे इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई दिखाई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों हजार पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। यानी गुजरात में यह त्योहार पतंगों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारी पतंगे, रंग बिरंगी पतंगों से पूरा आसमान भर जाता है। और अगला जो राज्य दिया है वो है कुमाऊं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। देखिए कैसे अलग-अलग नाम है। अब ये घुघुतिया किस तरह से मनाया जाता है वो आगे दिया है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिन का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। अब ये वहां की भाषा में ऐसा लिखा है कि गुड़ और आटे से बने हुए पकवानों को एक माला में पिरोया जाता है और उससे बच्चों के गले में पहनाया जाता है। आपको याद है कि आपके घर में कौन से त्योहार के समय लोग चीनी का बना हुआ कुछ आपके गले में पहनाते हैं? हाँ, होली के समय उसको क्या कहते हैं? गाठी। गाठी बच्चों को खाने के लिए दी जाती है क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है और कहते हैं कि वो गर्मी के दिनों में अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। ठीक उसी तरह यहाँ कहा गया है कि सर्दी के दिनों में जो पक्षी हैं वो पहाड़ों से दूर चले जाते हैं ठंडी के कारण, और बच्चे उन पक्षियों को बुलाने के लिए अपने गले से वो पकवान तोड़ तोड़ कर उनको बुलाते हैं और उनसे कुछ मांगते भी हैं। जैसे बच्चे कौवे को कह रहे हैं कि आओ कौवा आओ घुघुत आओ, यानी यहाँ घुघुत किसी पक्षी का नाम है ऐसा लगता है, और वो कह रहा है कि खाले पूरी मकई दे जा सोने की छुरी, यानी अपनी पूरी तो उसको खिला रहा है, बदले में उससे सोने की छुरी मांग रहा है। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं, यानी जो चाहिए वो उस पक्षी से मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के।
कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर में या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। इस तरह से मकर संक्रांति भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से और अलग-अलग विधि से, अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन सबका उद्देश्य होता है खुशियां मनाना और खेतों में हुई फसलों को भगवान को चढ़ाकर उन्हें धन्यवाद कहना। और मौसम के अनुसार जो चीजें हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं, उन्हें अपने खाने में शामिल करना। जैसे तिल, संक्रांति के बाद के समय हम तिल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शरीर को थोड़ी गर्मी की जरूरत होती है, ठंडी के दिन होते हैं और तिल गर्म होता है, इसलिए तिल के लड्डू, तिल की पूरी आदि उस दिन खाया जाता है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। आगे हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।